मतगणना का रोड मैप तैयार, ईवीएम से आजाद होगा जनादेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 हॉल और 6 कमरों में मतगणना होगी। एक विधानसभा में ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेंगी। बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग टेबल लगाई जाएगी। सभी टेबल पर 2 से 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 6 कमरे और 4 हॉल को चिन्हित किया गया। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को हुआ, अब 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मतदान के बाद ईवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा बैठा दिया गया है। इसके अलावा ईवीएम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी की जा रही है। मतदान के बाद अब जिला प्रशासन मतगणना में जुट गया है। मतगणना के लिए कमरों का चयन भी कर लिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 6 कमरे और 4 हॉल को चिन्हित किया गया है। 1 कमरे में 7 टेबलें लगाई जाएंगी। 1 विधानसभा के लिए 2 कमरे चिन्हित किए गए हैं। जिन विधानसभा की गिनती कमरों में होगी, वहां 2 कमरों में 14 टेबलें ईवीएम के लिए लगाई जाएंगी। वहीं जहां हॉल में गिनती होगी, वहां 1 साथ 14 टेबलें लगाई जाएंगी। 1 हॉल बड़ा है, यहां 1 साथ 2 विधानसभा के गिनती की व्यवस्था की गई है। यहां 1 कमरे में 2 विधानसभा के हिसाब से 28 टेबलें लगेंगी। मतगणना के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। कमरों में जालियां लगाई जा रही हैं, जिससे एजेंट और मतगणना कर्मचारियों के बीच दूरियां बनी रहे। अब यह समस्या भी कर दी गई है खत्म। अभी तक मतदान के बाद प्रत्याशी सीसीटीवी और स्क्रीन को लेकर हल्ला मचा रहे थे। स्ट्रांग रूम तक प्रत्याशी और एजेंट पहुंच नहीं पा रहे थे, बाहर से ही स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ रही थी। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कमरों में मतगणना की तैयारियों को लेकर काम शुरू हो गया है। ऐसे में एजेंटों को अंदर तक जाने की भी अनुमति दे दी गई है। इतना भी कह दिया गया है कि वह स्ट्रांग रूम के सामने से निगरानी कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीन चालू है। इस व्यवस्था से आरोप प्रत्यारोप से जिला प्रशासन को राहत मिलेगी। सारी व्यवस्थाएं मतगणना स्थल पर ही रहेंगी। विधानसभा प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल पर सुबह से ही एंट्री मिल जाएगी। इन्हें मतगणना स्थल पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जाएंगे। पीने के पानी आदि की सुविधा वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। बार बार बाहर जाने और आने की अनुमति एजेंटों को नहीं होगी। ऐसे में एजेंटों को पूरी तैयारी के साथ मतगणना स्थल पर आना होगा। बैलेट पेपर की गिनती अलग होगी। मतगणना स्थल पर विधानसभावार ईवीएम के लिए अलग और बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग टेबलें लगेंगी। जहां बैलेट पेपर की संख्या अधिक होगी, उस विधानसभा में टेबलें भी अधिक लगेंगी। कम से कम 1 टेबल बैलेट पेपर के लिए लगाई जाएगी। वहीं संख्या के हिसाब से टेबलों की संख्या बढ़ाई भी जा सकेगी। करीब 350 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। मतगणना में करीब 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 1 टेबल पर यदि 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे तो इस लिहाज से यह संख्या 336 तक पहुंचती है। इसके अलावा हर विधानसभा में 1 रिटर्निंग और 1 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद रहेगा। इससे यह संख्या करीब 350 के आसपास पहुंचेगी। इन कर्मचारियों को मतगणना को लेकर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। किस विधानसभा में कितने राउंड होगी गिनती? सिरमौर के 243 मतदान केंद्र के लिए 18, सेमरिया के 241 मतदान केंद्र के लिए 18, त्योंथर के 231 मतदान केंद्र के लिए 17, मऊगंज 251 मतदान केंद्र के लिए 18, देवतालाब 267 मतदान केंद्र के लिए 19, मनगवा 281 मतदान केंद्र के लिए 20, रीवा 244 मतदान केंद्र के लिए 18 सहित गुड़ विधानसभा के 256 मतदान केंद्र के लिए 19 राउंड में चक्रवार मतगणना की जाएगी। अपने यहाँ 3 तारीख को जो मतगणना होनी है, सभी 8 विधानसभाओं के लिए जो अपना मतगणना स्थल है वो इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा, क्योंकि अपने सभी जो स्ट्रांग रूम है वो वहीं पर हैं। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी सारी तैयारियां पहले कर ली गई थी और तैयारियां करने के लिए अगले 2-3 दिन का समय रखा गया है, जिसमें मतगणना के लिए हॉल्स तैयार किए गए हैं। निर्वाचन के बाद जो प्रक्रिया होनी थी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को आरओ के द्वारा सूचना दी जानी थी कि कौन सी तारीख को कौन सा स्थान रहेगा, क्या समय रहेगा, जिसमें पोस्टल बैलेट का भी स्ट्रांग रूम खुलेगा उसी दिन, और उसी दिन जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम खुलता है मतगणना से पहले, इसकी भी सभी सूचनाएं दी जा चुकी हैं। मतगणना स्थल के लिए पार्किंग की व्यवस्था, मतगणना स्थल के लिए जो प्रवेश की व्यवस्था है, इसके लिए पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान पूरा कर लिया है।
और जो मतगणना में लगे हुए मतगणना कर्मी हैं उनकी भी फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उनकी सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग 2 तारीख को रहेगी और 3 तारीख को सवेरे वो लोग अपनी अपने टेबल्स पर रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग का काम है वो लगभग समाप्ति की ओर है। मतगणना स्थल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया सेंटर की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अपनी मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना का जो समय है सुबह से प्रारंभ होकर के 8 बजे, इसमें पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी और पोस्टल बैलेट की गणना जैसे ही प्रारंभ हो जाती है वैसे ही हमारी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे आयोग के निर्देश हैं उस तारतम्य में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अपनी पूरी व्यवस्था में लगभग 1000 से 1200 कर्मचारी लगेंगे, जिसमें कर्मचारी ना सिर्फ मतगणना के लिए हैं बल्कि मतगणना के जो फिगर्स आते हैं उनको मिलान करने के लिए, उनको टैली करने के लिए, विभिन्न प्रपत्रों में उनको जमाने के लिए। इसके अतिरिक्त सीलिंग की प्रक्रिया भी चूंकि उसी दिन करनी शुरू होती है, जिसमें जैसे जैसे मशीनें मतगणना कक्ष से बाहर आती हैं वैसे ही उनकी सीलिंग भी तत्काल ही शुरू हो जाती है। तो उस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। अच्छा मतगणना शुरू 8 बजे से होगी और फिर चूंकि अपने यहाँ अधिकतर जो विधानसभाएं हैं उनमें 240 से ऊपर मतदान केंद्र हैं तो राउंड उनके जैसे निपटते हैं, उस तरीके से उसकी व्यवस्था जमाई गई। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।